हर हर महादेव। जय माता दी। दर्शकों, कैसे हैं आप सभी? दर्शकों, 27 फरवरी दिन सोमवार को सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, बहुत ही खास दिन होता है जब सोमवार को अष्टमी तिथि पड़ती है। सोमवार की अष्टमी तिथि पड़ने का मतलब होता है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का दिन होता है। साल में ये अष्टमी तिथियां कुछ ही ऐसे बार होते हैं जिन पर आती है, यानी कि 2 से 4 ही सोमवार अष्टमियां होती हैं जो साल में आती हैं। तो ऐसे में आप जो गुरुदेव द्वारा बताए गए छोटे से उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी वे दूर हो जाएंगी, या आपकी जो भी मनवांछित इच्छाएं होंगी वह पूर्ण हो जाएंगी। विवाह शादी में रुकावट आ रही हो या फिर व्यापार में घाटा, बच्चे परीक्षा देते हैं परंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आप इस उपाय को करना बिल्कुल न भूलें। इस उपाय को वह व्यक्ति करे जिसकी कोई भी इच्छाएं हो, जिसके जीवन में कोई भी दुख संकट हो, वह इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने से निश्चित ही उसकी सारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 31 चावल के दाने लेने हैं, साथ ही आपको 31 हरी मूंग के दाने लेने हैं और 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको 3 पत्री वाली एक बेलपत्र, इस तरह से 31 बेलपत्र लेनी है, यानी कि बेलपत्री का एक ही पत्ता नहीं लेना है, 3 पत्री वाली बेलपत्र को ही एक बेलपत्र माना जाएगा। इसी तरह आपको 31 बेलपत्र लेनी है। जो भी सामग्री आप ले रहे हैं वे कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि खंडित नहीं होनी चाहिए। चावल हो या फिर मूंग के दाने हो या फिर बेलपत्री हो, कहीं से भी कोई भी वस्तु खंडित नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव को कोई भी वस्तु खंडित नहीं समर्पित की जाती है, उनको पूर्ण ही समर्पित किया जाता है। इसके बाद आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव के मंदिर जाना है। ध्यान रहे, ये उपाय आपको घर में नहीं करना है। जो आप चावल के दाने लेकर गए हैं उनको भगवान शिव की दहलीज पर अपनी मनोकामना को बोलते हुए रख देंगे, और जो आप हरी मूंग के 31 दाने लेकर गए हैं उन 31 दानों को जो भगवान शिव की शिवलिंग के पास में नंदी महाराज होते हैं उनके पास में, जो नंदी महाराज का उठा हुआ पैर होता है उसके पास में उन 31 हरी मूंग के दानों को रख देंगे, और जो बेलपत्री लेकर गए हैं 31 उन पर लाल चंदन या पीला चंदन लगाते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस तरह से रखेंगे कि जो बेलपत्री का चिकना वाला भाग है वह नीचे की तरफ होना चाहिए और जो खुदरा वाला भाग होता है वह ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जो बेलपत्री की डंडियां हैं वह नीचे जहां से शिवलिंग पर पानी बहता है उस स्थान की तरफ होनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद आप भगवान शिव का स्मरण करेंगे और अपनी जो मनोकामना है, जो इच्छाएं हैं, उनको बोलते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि भगवान भोलेनाथ आपकी वह इच्छाओं को पूर्ण करें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना होती है जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, वे इस उपाय को करने से निश्चित ही पूरी हो जाती है। दर्शकों, लाखों लोग इस उपाय को करके अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये उपाय नहीं किया है तो जल्दी से आप इस उपाय को अवश्य करें। ध्यान रहे, जो आपको इस वीडियो में बताया गया है उसी हिसाब से आपको अपना ये उपाय करना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर उपाय समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं, और उपाय को सही तरीके से जानने के बाद ही आप इस उपाय को करें। निश्चित ही आपकी वह मनोकामना आने वाली अगली सोमवार की अष्टमी तक पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ सब पे कृपा करते हैं, आपके ऊपर भी उनकी कृपा बनेगी और आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है ये उपाय बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। उपाय अच्छा लगे तो ऐसे उपायों से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे उपायों से भरी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।